कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी से, डिस्ट्रिक्ट बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरे नाम से मतलब नहीं, एक काम की बात करिए, रोजगार के मुद्दे पे बात करिए, शिक्षा के मुद्दे पे बात करिए, हमारा देश जो आज इस क्राइसिस से गुजर रहा है उसके बारे में बात करिए। हवा हवाई बातें करने से क्या होगा? ग्राउंड पे कुछ नहीं है, केवल राम मंदिर दे दिया, क्या देश को रोजगार मिल गया? बताइए, नहीं मिला ना कुछ भी। 370 हटा दी तो देश को रोजगार मिल गया, शिक्षा मिल गई। 370 हटने के बाद कश्मीर गए आप? हैं, मैं कहता हूँ कि कुछ भक्त लोग कहते थे कि भाई वहाँ प्लॉट खरीद लेंगे, कितने लोगों ने प्लॉट खरीद लिया वहाँ बताइए? 370 हटने के बाद फॉर्मेशन आपने देखा वहाँ का क्या? ऑर्गेनाइजेशन है, अरे वहाँ इतना बुरा हाल हो रखा है अभी भी, वहाँ क्या शिक्षा है, रोजगार है, क्या लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ? मैं उसी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। बिल्कुल, तो 370 हटने से बताइए फायदा क्या हुआ? 370 हटने से जो पहले वहाँ पर रोज पथराव होता था, उसके बाद पथराव दिखा आपको एक बार? अरे एक बार वहाँ पर पथराव नहीं देखा तो क्या हुआ? कुछ एक बार नहीं, रोज होता था। नया कह दिया उन्होंने, रोज पथराव होता था, रोज हमारी भारतीय सेना पर कश्मीर के अंदर पथराव होता था, आज वो पथराव रुका है, क्या वो सही है या गलत? सिविलियंस के साथ गलत होता है, क्या गलत होता है? वो क्या गलत होता है? सिविलियंस आतंकवादी। आप गए हैं कश्मीर? गए हैं घर लो, युवा घर छोड़कर क्यों भाग जाते हैं, उसका क्या रीजन है? कौन भगाता है उनको? क्या गुलाब का फूल मिलता है उनके लिए? कौन भगाता है उनको? अरे वो क्यों चले जाते हैं? क्यों भगाता कौन है? बागी क्यों जाते हैं? कौन भगाता है? बागी होने का रीजन क्या? आप भगाता कौन है? बागी होने का वो सेपरेटिस्ट भगाते हैं आज, जिन पर टेरर फंडिंग चल रहे, केस चल रहे हैं, NIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है सब पर, जो है जमाते उस पर जो है रोक लगा दी है, बैन लगा दी। गरीब घर के बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उनका क्या है बताइए? गरीब तो इस देश में बहुत सारी जनता है, तो सब जाके आतंकवादी बन जाएंगे? वो उनका मजबूरी है भाई। मजबूरी कैसे? मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे? मजबूरी से क्या मतलब? मतलब आप गरीब हैं तो आप आतंकवादी बन जाएंगे, ये कहाँ का स्टेटमेंट है सर? भैया एक बात बताओ, 370 हटाने से मैं ये बताओ कि क्या फायदा रहा देश के लिए, क्या मिला? ऑपरेशन उसके बाद जो ऑल आउट हुआ वहाँ पर, आतंकवादी जो खत्म हो रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो गरीब है तो मजबूर है हथियार उठाने के लिए? मैं कहना ये चाह रहा हूँ 370 को हटाने के बाद देश के लिए क्या फायदा हुआ? पथराव वहाँ पर खत्म हुआ, भारतीय सेना पर किस तरह पथराव किया जाता है, देश की आर्थिक स्थिति को क्या फायदा हुआ? नोटबंदी करी थी आतंकवादी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया नोटबंदी पर, पुलवामा हुआ आज तक RDX कहाँ से आया देश में, उसका कोई जांच नहीं हुआ, व्हीकल कहाँ से आया उसका कोई जांच नहीं हुआ, एयर स्ट्राइक हुई जो है, एयर स्ट्राइक हुई जो, क्या एयर स्ट्राइक कर दी तुमने, क्या प्रूफ थे एयर स्ट्राइक? ये देखिए, ये आप भी प्रूफ मांगे हैं भारतीय सेना से? अरे भाई सेना, भारतीय सेना पर, भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है? कितने लोग मारे गए बताओ सर? भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास है, क्यों नहीं? फिर भारतीय, आप अभी कह रहे हो क्या प्रूफ है एयर स्ट्राइक? कोई स्टेटमेंट आया कितने मार के आए हमने? केवल सरकार ने स्टेटमेंट दिया अपना, तो भारतीय सेना ने उसमें कहा ना हम जाके एयर स्ट्राइक, भारतीय सेना पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? आपको उठाना है तो सरकार दिया ना? नहीं नहीं, ये भारतीय सेना से प्रूफ देश के लिए कुछ मजबूर कोई हो रहा है उसको कह रहे हैं कि जाकर के जो है इसीलिए आतंकवादी बन रहे हैं, ये किस तरह का स्टेप? मजबूर है तो जाके आतंकवादी बन जाएंगे, आम सिटीजन को मारेंगे, आम सिविलियंस को मारेंगे? सर मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं बचपन से वहां पर रहा हूँ, मैंने देखा है पहले क्या हालात है, अभी तो आप अपना नाम तो बता नहीं रहे थे, फिर मेरा क्यों पूछ रहे हैं? मेरा क्यों पूछ रहे हैं फिर आप? इस तरीके से बोल लो, कहां बोल रहे हो? जब आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो मजबूर हैं जाकर के इसीलिए आतंकवादी बन रहे हैं, नाम बताओ अपना अगर जम्मू कश्मीर से। आप बताइए नाम अपना। मेरा नाम फुरकान है। हाँ, ले लीजिए मेरा आधार कार्ड, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ दिखाइए दिखाइए, क्या लिखा है यहाँ जम्मू कश्मीर? जब आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं और इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, जब वहाँ पर आपने हालात नहीं देखे, जाकर के चीजें नहीं देखी, तो इस तरह जो है मत कहिए कि जाकर के वो आतंकवादी बन। मैं ये कहता हूँ चैलेंज है कि कितने लोग वहाँ प्लॉट जाके खरीद लिया बताओ? अरे अब आप प्लॉट पर आ गए। अरे बताओ कितने लोगों ने, बोल रहे थे ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा आपने? बोल सुनो मेरी बात, बोल रहे थे ना लोग ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा जम्मू कश्मीर का? सुनो मैं पढ़ा नहीं है, वो नहीं पढ़ा तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं? जो 15 साल से पढ़ लेंगे तो उसके बाद इस पर जो है डिस्कशन कीजिए ना, ठीक? जो 15 साल से वहां पर लोग रह रहे हैं, अब बाहर के राज्यों के रहने वाले हैं, उनको वहां पर अब वोटिंग के अधिकार मिले हैं, जो POJK के जिनको आज 70 साल से वहां पर वोटिंग अधिकार नहीं मिले, उनको वोटिंग राइट्स वहां पर मिले हैं, जिनको 70 साल से वो वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। मैं ये वो आप मानेंगे नहीं, वो आप सुनेंगे नहीं? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अगर सही बात है तो मानेंगे। हाँ। लेकिन बात ये है कि 370 हटाने के बाद जो लोग नॉर्मली वे में कहते थे ना, कुछ जो दूसरी सोच के लोग हैं, वो कहते थे कि भाई वहाँ पर जो है ना प्लॉट खरीद लेंगे जा करके, उसकी व्यवस्था बना रहे हैं ना, एकदम से नहीं बनेंगे, वहाँ की लड़कियाँ आज तक नहीं ला सकते तो लड़कियाँ ब्याह करके लाएंगे, ऐसे गंदे गंदे लोग बोलते थे, पता है हमने सुना है, या हम लोगों में बैठते हैं, हमने सोच लोगों की सुनी है तब उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। अभी आप जम्मू कश्मीर से, अच्छी बात है, लेकिन मसला क्या, हम यहाँ के लोगों में बैठते हैं, ठीक है, हमें पता है वो लोग क्या बोलते हैं, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। आप सब कोई लोग गलत बोलेंगे तो उसमें खुद भी गलत बोलेंगे तो वो गलत चीज़ है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने गलत क्या कहने का, 370 से आप बताइए, वो कहते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ ब्याह करके यहाँ अब लाएंगे, अब मौका मिला है, ऐसे बोलते हैं लोग।
उसका आपने आपने आपको पता है वो क्या उसमें क्या था 370 में, अनुच्छेद 370 में, अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की जम्मू कश्मीर राज्य से बाहर शादी करेगी, उसकी वहां की जो है जो भी प्रॉपर्टी पे राइट्स हैं उसके फादर के बाद जो प्रॉपर्टी, वो राइट्स खत्म हो जाएंगे, वो राइट्स उन वहां की बेटियों को मिल रहे हैं, क्या ये बदलाव अच्छा नहीं है? लोग बहुत अच्छा है, बदलाव अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लोग अगर गलत कमेंट कर रहे हैं उसमें खुद भी हम गलत हो जाएंगे, तो वो हम गलत हुए देंगे उनके लिए, ये वो जो लोग गलत सोच रहे हैं उनकी संगत से थोड़ा दूर रहें, हम यही आपको जो है सुझाव देंगे, संगत तो दूर रहना ही चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी कहाँ के रहने वाले? जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली के ही रहने वाले हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री तैयारी में है, आप 24 में PM पद देख रहे हैं? अरे उनका कहाँ कंपटीशन है मोदी जी से, उनका नहीं है अभी, वो PM की रेस में नहीं है। तो कौन लग रहा है PM, कौन बनेगा अभी जैसा करंट सिचुएशन उसमें मोदी जी हैं, अभी कोई उनके ओपोनेंट में है नहीं। राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करना, और लीडरशिप क्वालिटी दोनों में डिफरेंस होता है ना, अभी उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो मोदी जी के अंदर है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए वो उनके अंदर अभी नहीं आई है, इसलिए मोदी जी को दोबारा देखना चाहते हैं। क्योंकि है नहीं कोई उनके ओपोनेंट में, कोई है नहीं, अगर उनके ओपोनेंट में कोई अगर अच्छे लीडर आते हैं तो ज़रूर देखेंगे। अच्छा आप दिल्ली के रहने वाले हैं, एक कमेंट इस चीज़ पर लेना चाहूँगा, दिल्ली में इस समय जो चल रहा है, MCD में BJP थी 15 सालों से, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई हमें MCD दे दो, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली सरकार में तो है लेकिन MCD नहीं है, अब लोगों ने MCD में मैंडेट दे दिया, अब वो अभी भी वही चीज़ कह रहे हैं कि देखो जी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, BJP के लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, आला अधिकारी काम नहीं करने दे रहे, जबकि सत्ता में तो बिठा दिया दिल्ली की जनता। अभी देखते हैं, अभी तो स्टार्टिंग हुई, अभी तो अभी जस्ट भी नहीं की है, अभी देखते हैं एक साल में क्या उनका परफॉर्मेंस रहता है। सर आपका क्या नाम? धर्मेंद्र कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं धर्मेंद्र? दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली के रहने वाले, किसको देखना चाह रहे हैं PM पद? सर अभी के समय में तो नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाह रहे हैं सर। अच्छा शशि थरूर हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका भी एक कमेंट सामने आया है, अभी अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े थे, उन्होंने कहा कि BJP 50 सीटें कम हो जाएंगी इस बार, लेकिन अगर BJP के साथ NDA की 50 सीटें कम होती है तो भी तो BJP आएगी सत्ता? आ सकती है, पर अभी कांग्रेस तो अभी नहीं आएगी सर, अभी BJP का चांस ज़्यादा है। कांग्रेस नहीं आएगी? नहीं सर, कांग्रेस तो अभी नहीं। इतने महीनों से जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है सर, भारत जोड़ो यात्रा निकालने में और गवर्नमेंट में रह करके काम करने में बहुत अंतर है सर, उसमें देखना पड़ेगा, तो इसीलिए मोदी जी को चाहिए। जी जी सर, जी सर। और आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल? सर केजरीवाल को अभी PM पद के लिए तो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ सर। ठीक है, क्या एक कमेंट? नहीं, कह रहे थे कि शशि थरूर जी है, अगर देखा जाए दोनों में लीडरशिप की क्वालिटी, तो मुझे, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, शशि थरूर अच्छे लगते हैं राहुल गांधी से। अच्छा मतलब कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू राहुल गांधी जी? अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े लेकिन साथ ही नहीं दिया गांधी फैमिली ने। हाँ साथ नहीं दिया, लेकिन वो बेटर कैंडिडेट थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी के, खड़गे जी कंपेयर, क्योंकि वो उनके कंपेरिजन में यंग थे, वो उनमें वो क्वालिटी थी कि वो थोड़ा अपने पार्टी को भी आगे ले जा सकते हैं, और उस परफॉर्मेंस भी देखने में कुछ अच्छा आता जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले उसमें। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? जनार्दन। जनार्दन जी कहाँ के रहने वाले हैं? बेंगलुरु। बेंगलुरु के रहने वाले? कर्नाटक रहने वाले। कर्नाटक में तो चुनाव आ रहा है अभी, हाँ क्या लग रहा है माहौल, किसकी सरकार बनेगी कर्नाटक में? मालूम नहीं, शायद 50-50 होगा। 50-50 लग रहा है गवर्नमेंट, 50-50 का मामला है, है है। अच्छा और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, PM पद पर किसको देखना चाह रहे हैं? देखना है कौन आएगा वो हमको देखना है, राहुल गांधी या मोदी, कोई भी आए तो परवा नहीं, अच्छा सा काम करना है बस भाई। थैंक यू। ठीक है धन्यवाद। तो क्या नाम है? अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले? नेपाल के। नेपाल के रहने वाले? अरे आज नेपाल में जो हादसा हुआ, हमारी संवेदनाएं हैं लोगों के साथ, ऐसे बहुत हादसे हो रहे हैं, हवाई हादसे वहाँ पर। भारत में आप आए हैं, कैसा लग रहा है भारत घूम? एकदम बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है भारत में? हाँ जी बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो खैर बचपन से रहते हैं यहाँ पे, अभी से नहीं, मतलब बचपन से रहते हैं। हाँ जी। यहाँ का पॉलिटिक्स भी देखते हैं आप? देखते तो हैं, अब देखो ऐसा ही है बस। हाँ PM मोदी के बारे में क्या कहेंगे? सही है जो भी है वो, मतलब औरों से सही है, मतलब बेटर है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अगर बात की जाए तो सभी जो मुख्य दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उनकी तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जो है पुरजोर तरीके से चलाई जा रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बिगुल बजा दिया है। हाल ही में अगर बात की जाए तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो निकाला था, और अब ये रोड शो दिल्ली में भी जो है निकलने वाला है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव का रोडमैप
करना है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इस समय हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने, और यहाँ पर जो देश भर से लोग घूमने आते हैं, आइए उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या मत है, वो 2024 में जो है किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद पर। अगर बात की जाए तो कांग्रेस अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, बीजेपी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, वहीं कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं उनका यह कहना है कि वो जो उनकी जो विपक्ष के साथ आएंगे कि हमें जो है पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। आइए यहाँ पर जो लोग घूमने आ रहे हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर।